हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्रिज बना करके दिखाएंगे। 10 सेंटी हाइट का उसका ब्रिज हम आपको बना करके दिखाएंगे। इसका 245 रहेगा हमारा, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, दोनों को हम बाइंड करेंगे और यह ऊपर की तरफ उठाएंगे हम उसका 10 सेंटी। तो इसका मार्किंग कैसे करते हैं, क्या फार्मूला है, ये जो हम फार्मूला आपको बताएंगे, या आप किसी भी ट्रे में ये फार्मूला इस्तेमाल करके आपको जितना भी आपको ब्रिज चाहिए 10 सेंटी का 20 सेंटी का, आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लेकिन ये आपको मार्किंग आपको समझना है, ये हम मार्किंग कैसे करते हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे मार्किंग करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा 100 mm का ट्रे है और इसमें हमने मार्किंग कर दिया पहले से, तो इसका हम आपको मार्किंग समझाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी आप अपसेट या ब्रिज का मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो ये साइड से हम इसका मेज़रमेंट करते हैं। ये देखिए हमारा 50 mm है और अगर सेंटर से देखेंगे तो ये हमारा 100 mm है ना, तो ये 150 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप 90 बनाते हैं तो ये सेंटर से हम इसका मेज़रमेंट लेते हैं, जो कटिंग का होता है हमारा। 100 का है तो 4-4 सेंटी, 150 का है तो 6-6 सेंटी, ठीक है। और जब हम अपसेट बनाते हैं, हाइट वाला अपसेट या फिर ब्रिज, तो ये हम ये जो कॉलर देख रहे हैं आप, ये साइड का ये 50 mm का रहता है। ज़्यादातर ट्रे का अक्सर आपका 50 mm रहता है, और भी बहुत सारा ट्रे आता है उसका 10 सेंटी भी रहता है, और 5-10 सेंटी यानी कि 100 mm। तो ये देखिए हम साइड से इसका मेज़रमेंट करते हैं जब भी अपसेट और ब्रिज का, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो ये देखिए फिर हमने कैसे मार्किंग किया है। हमको 10 सेंटी का चाहिए था ब्रिज, 10 सेंटी हमको ऊपर उठाना था या आपको डाउन करना था, तो जो भी हो। तो ये देखिए हम यहाँ से जो हमने मेज़रमेंट किया है, पहला मेज़रमेंट, ये जो पहला मार्किंग है हमारा, ये देख सकते हैं, ये 25 सेंटी पे हमने पहला मार्किंग किया है, ये हमारा 30 पे ये मेज़रमेंट टेप है, और यहाँ पे ये देखिए है ना, ये 25 सेंटी, ठीक है, 25 सेंटी पे हमने पहला मार्किंग किया। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ से हमने 2 सेंटी इधर ले लिया, देख सकते हैं, ये हमारा, ये देखिए 2 सेंटी इस तरफ और 2 सेंटी इस तरफ, ठीक है। और इसको हमने पूरा इस तरफ पूरा मार्किंग कर दिया, ये देखिए इधर भी हमने वैसे ही मार्किंग किया है और इधर भी हमने ऐसे ही मार्किंग कर दी। ये तीनों लकीर आप खींच दें, उसके बाद एक यहाँ से भी का निशान लगा दें इधर, और ये जो देख रहे हैं हल्का हल्का सा, ये जो हमने यहाँ तक निशान लगाया है, ये आपका कटिंग हो जाएगा। ये ऑलरेडी ये वाला गैप जो देख रहे हैं ये कटिंग है, तो इसको यहाँ तक काट देना है और इसको यहाँ से यहाँ तक खाली काट देना है बस। और ये जो लाइन देख रहा है आपका, ये नहीं कटिंग होगा, तो हम कटिंग करके भी आपको दिखाएंगे। तो इधर भी सेम सेम देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ हम कटिंग करेंगे, कट का निशान हमने लगा दिया है, और यहाँ से यहाँ तक इसको काट देंगे, ठीक है। ये तीनों लाइन आपका कटिंग नहीं होगा, इसमें रूपिंग बोल्ट डालना रहता है, इसलिए हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ से फिर हमने, हमको 10 सेंटी का चाहिए था, तो आपको अगर 10 सेंटी का ब्रिज चाहिए आपको बनाना है, तो 10 को आप 100 कर दें, 100 mm में इसको आप इसका मार्किंग करेंगे, 10 को आप 100 mm ले लें, 100 mm हो गया हमारा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें इनटू 141, तो हमारा आंसर आएगा 14 सेंटी 1 mm, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, इस तरीके से आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं। तो जो भी आंसर आएगा हमारा, ये देखिए, ये सेंटर से हमने लिया, देखिए ये 14 सेंटी 1 mm है ना, दिख रहा है आपको, 14 सेंटी 1 mm पे हमने पहला निशान कर मार्किंग कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ से 2 सेंटी, उसके बाद फिर यहाँ से 2 सेंटी, और ये पूरा मार्किंग हमने यहाँ तक कर दिया, ये तीनों लकीर है ना, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से हमने एक यहाँ पे भी कट लगाया है, यहाँ से एक हमने यहाँ पे भी कट लगाया है, ये आपका कटिंग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ काटना है, ये पूरा आपको नहीं कटिंग करना है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और ये यहाँ से पूरा आपको, ये देखिए हम निशान लगाते जा रहे हैं, समझ जाइए ये कटिंग होगा, ठीक है, जिस पर निशान नहीं लगाएंगे वो कटिंग नहीं होगा, बस यहाँ तक आपको काटना है, ठीक है। और फिर ये देखिए, ये वाला भी कटिंग कर देना है आपको, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आपको यहाँ से यहाँ तक काट देना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये निकल जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो कोना जो देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो निकल जाएगा ये बाहर, ठीक है। और ये जो हमने मार्किंग किया है, ये आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से यहाँ तक काट देना, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये देखिए, मान लीजिए हमारा सेंटर में कुछ आ रहा है, ये हमारा ट्रे है, यहाँ सेंटर में कुछ आ रहा है, ठीक है, पाइप आ रहा हो, कुछ भी आ रहा होगा, तो इसका हम ये देखिए गैप कितना छोड़ दिए हैं, जो हमारा ब्रिज का जो
सेंटर का जो गैप है ये देखिए, ये जो सेंटर का जो गैप है हमने यहाँ से 20 सेंटी छोड़ दिया, ठीक है ना, 20 सेंटी हमने यहाँ से यहाँ छोड़ दिया। आपका जो भी आ रहा हो, जो आप कितना भी छोड़ सकते हैं, 25 सेंटी, 30 सेंटी, 50 सेंटी, तो उतना पे यहाँ से आप दूसरा मार्किंग करेंगे और सेम मार्किंग आप यही वाला करेंगे, ये जो हमारा ये वाला मार्किंग है सेम आप मार्किंग ये वाला करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी का मार्किंग करेंगे ये वाला। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमने सेंटर से जो इसको छोड़ा है ये 20 सेंटी छोड़ा है, ठीक है, देख सकते हैं आप इधर से देख लें, ये हमने 20 सेंटी यहाँ से यहाँ छोड़ दिया। 20 सेंटी हम इसलिए छोड़ा है आपको एग्जांपल समझाने के लिए, ये हम 10 सेंटी भी छोड़ सकते हैं, 25 सेंटी भी छोड़ सकते हैं, 40 सेंटी भी छोड़ सकते हैं। ये जो हम सेंटर का छोड़ते हैं ब्रिज, हम इसीलिए ही बनाते हैं कि हमारा सेंटर में क्या आ रहा है, ठीक है, चिल वाटर का पाइप आ रहा है या फिर प्लम्बर का आ रहा है, कुछ किसी कोई भी चीज़ आपका ये आ सकता है सेंटर में, ठीक है। तो हमने 20 सेंटी छोड़ दिया एग्जाम्पल के लिए, आपका जितना भी आएगा आप ये जो हमने मार्किंग किया यहाँ से आप उतना छोड़ देंगे, उसके बाद फिर ये मेजरमेंट करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ से फिर हमने मार्किंग किया है कितना, दो दो सेंटी है ना, चार पे हमने रखा है, दो सेंटी यहाँ, फिर दो सेंटी यहाँ पे। सेम मार्किंग जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेम मार्किंग आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया कटिंग के लिए, ये आपको काट देना है, उधर जैसे मैंने बताया ये भी आपको कटिंग कर लेना है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कटिंग हो गया। उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये आपको यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको कटिंग कर देना है, ठीक है, ये सब आपका कटिंग नहीं होगा। और फिर देखिए फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 141 वाला, ठीक है, हमको 100 ये 10 सेंटी का हमको चाहिए ब्रिज। तो ये जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था ये देख सकते हैं, 10 सेंटी का हमको चाहिए था, तो 10 को हमने mm में कैलकुलेशन किया, तो 10 सेंटी का आपका 100 mm होता है, और इसको डिवाइड किया हमने 141 से, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा 14 सेंटी 1 mm, यहाँ से हमने ये देखिए ये सेंटर से हमने यहाँ पे निशान लगाया, ठीक है, ये हमारा मीटर आगे का थोड़ा ख़राब है इसलिए हम यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये देखिए 14 सेंटी 1 mm, ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपको 14 सेंटी यहाँ पे 1 mm लेना है, उसके बाद यहाँ से 2 सेंटी इधर और फिर यहाँ से 2 सेंटी आपको इधर लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मार्किंग करना है और मेजरमेंट देखिए आपका, अगर जो भी 14 सेंटी 1 mm आ रहा है तो यहाँ से अगर आप सेंटर से मेजरमेंट करेंगे तो इधर का फर्स्ट मार्किंग लेंगे, ठीक है, और अगर यहाँ लास्ट पॉइंट से इसका मेजरमेंट करेंगे तो इसका सेंटर में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, इसका सेंटर में आप निशान लगाएंगे, फिर इधर से 2 सेंटी लेंगे और इधर से 2 सेंटी लेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये आपको कहाँ से मार्किंग करना है। अगर आप यहाँ से लेंगे तो 14 सेंटी 1 mm जो भी आएगा आपका, यहाँ पे पहला निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 सेंटी, उसके बाद फिर 2 सेंटी, ठीक है, और यहाँ से लगाएंगे तो सेंटर में, समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स। और मार्किंग आपका सेम जैसा मैंने इधर से किया था, ये देखिए इधर मैं जैसे मैंने मार्किंग किया वैसा आपको मार्किंग इधर भी करना है, और ये कटिंग कर देना यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला कट जाएगा आपका यहाँ तक, ये कटिंग हो गया है, ये आपका देख रहा होल ऑलरेडी है, तो सिर्फ यहाँ से आपको यहाँ तक काट देना है, बाकी इसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। इधर भी सेम देख सकते हैं, इधर भी सेम मार्किंग है, जैसा इधर है वैसा आपका इधर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, मैं आपका जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए इसको हम कटिंग करके भी आपको दिखाएंगे, फिर इसको बैंड करके हम दिखाएंगे कैसे हमने बैंड किया है। तो ये देखिए जो हम कटिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये जो हिस्सा बचेगा ये इसके अंदर आ जाएगा, है ना, फिर यहाँ से जो हम कटिंग करेंगे ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जब भी आप अगर ग्राइंडर से कटिंग कर रहे हैं, हम तो इसको जिक्सा से कटिंग करेंगे, ग्राइंडर से जब भी आप कटिंग करेंगे तो ये जो निशान देख रहे हैं आप, इसको सिर्फ ग्राइंडर से दाग लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ भी आप इसको दाग लगा देंगे ताकि मुड़ने में आसानी हो, है ना, इसको तो अभी हमको दिक्कत होगा, हैमर से मार मार के इसको मोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको कैसे हमने कटिंग किया है, उसके बाद फिर मोड़ करके हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको।
तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो चलिए हम आपको कटिंग दिखा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमने जो मार्किंग किया था आपको, और ये वाला जो देखिए, ये हमारा ये कट के निकल गया है और ये कपलर बन चुका है। ये इसके अंदर आ जाएगा, इसको इस तरफ उठाएंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसमें फिर रूपिंग बोल्ट डाल करके टाइट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से भी हमने काट दिया और यहाँ से पूरा यहाँ तक। तो सेम सेम ऐसे ही आपको कटिंग कर लेना है। देख सकते हैं इधर भी हमने वैसे ही कटिंग किया है, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये जैसा कि मैंने मार्किंग किया था आपको, यहाँ से यहाँ बताया था, तो यहाँ से यहाँ हमने काट दिया। फिर यहाँ से एक मार्किंग हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ से फिर हमने यहाँ काट दिया, और यहाँ से यहाँ काट के ये इसको निकाल दिया, ठीक है। तो सेम इधर भी आपको ऐसे ही कटिंग कर लेना है। देख सकते हैं उधर भी हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसको मोड़ेंगे, मोड़ करके इसका हाइट भी मेजरमेंट आपको करके दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इसको मोड़ करके इसका हाइट आपको मेजरमेंट करके पूरा हम इसको दिखाते हैं, रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको पूरा टाइट करके। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा ब्रिज बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए, पूरा हमने रूपिंग बोल्ट डाल करके पूरा इसको टाइट कर दिया है। जहाँ जहाँ पे हमारा कपलर था, जहाँ पे कटिंग था, वो कटिंग करके हमने देख सकते हैं ये पूरा रूपिंग बोल्ट डाल करके टाइट कर दिया है। इस तरफ भी देख लीजिए, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको आपका मेजरमेंट करके दिखाएंगे। हमने 10 cm का ब्रिज बनाया था, 10 cm का हाइट ब्रिज है ये हमारा। तो ये देखिए फ्रेंड, देख सकते हैं पूरा 10 cm का ये हमारा ब्रिज बन चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया था वीडियो में, वैसा सेम सेम हमने ये पूरा ब्रिज बना दिया है। तो वैसे ही आपको मार्किंग करना है सेम सेम, और कटिंग करके इसको बैंड कर देना है, तो ये आपका सेम मेजरमेंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।